राष्ट्रपति बनकर आपको कैसा लग रहा है? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है मेरे आका, लोगों का मनोरंजन कर रहा हूँ मेरे आका। तो इसमें सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? सबसे अच्छी चीज यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, अब एक तो बता नहीं सकता ना, मेन मोटिव लड़कों का तो पता ही है क्या होता है। इस राज गार्डन के अंदर में गंदगी करना महागुना है, क्योंकि शेर आया हुआ है, वरना शेर की निकली बोली और बंदूक की निकली गोली कभी खाली नहीं जाती है। Are you enjoying? Yes. How much? Very. और मैं फर्स्ट टाइम इधर, काफी मुझे लास्ट टू ईयर हो गए हैं, जब से मैं देख रहा हूँ ये रोज फेस्टिवल का मेरा पहले अटेम्प्ट है, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। जब इधर आया तो वास्तव में ऐसा लगा कि नहीं, नेचुरल भी कोई चीज़ होती है। चंडीगढ़ रोज गार्डन के अंदर आए हुए हैं, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सज्जन हैं, माता बहन आई हुई हैं, फोटो सेल्फी वगैरह ले रही हैं, और हमारा भी बहुत अच्छा मन लग रहा है और अच्छा टाइम पास हो रहा है। मैडम जी, राजस्थानी फूड, दाल बाटी चूरमा, मतलब कि वैरायटी ऑफ फूड है यहाँ पर, साउथ इंडियन भी, चाइनीज भी। वेलकम टू पी यू पल्स, दिस इज रतिका सिराना। तो अज असी मौजूद हाँ चंडीगढ़ के फेमस रोज़ फेस्टिवल सैक्टर 16 च। तो आइए थोनों दिखाने अंदर की कुछ चल रहा है, लोग कितना एक्साइटेड ने। तो हम असी आ गए अंदर, तो तुम देख सकते हो कितनी रौनक है अंदर, डिफरेंट स्टॉल्स इतने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। तो आज हम आप गलबात करते हैं लोगों से। बनकर आपको कैसा लग रहा है? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है मेरे आका, लोगों का मनोरंजन कर रहा हूँ मेरे आका, और गुलफाम जिनको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं मेरे आका। जिसके पास मेरा चिराग है मेरे आका, उसी का ही गुलाम हूँ मेरे आका। बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, कैसा महसूस हो रहा है आपको? पब्लिक एंजॉय तो लेगी ना, एंजॉय साथ चल रहे हैं। हमेशा आप होते हैं आप यहाँ पर या पहला एक्सपीरियंस है? नहीं नहीं, पहले भी आए हैं। पहली बार आए? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। पहले भी आए, ठीक है। तो कितना टाइम, आपको एनर्जेटिक बहुत रहते हैं आप, तो कितना टाइम से रहते हैं आप यहाँ? मैडम हम 10 बजे स्टार्ट होते हैं प्रोग्राम करना, और शाम 6-7 बजे तक लगातार चलते रहते हैं। हाँ जी, तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्लीन एयर, क्लीन एयर के एम्बेसडर पे इन्हें खड़ा किया जा रहा है। किस तरह आता है शेरा और तूफान की तरह चला जाता है शेरा वाला, कान खोल के सुनो, ये एक सुनने की बात है। इस राज गार्डन के अंदर में गंदगी करना महागुना है, क्योंकि शेर आया हुआ है, वरना शेर की निकली बोली और बंदूक की निकली गोली कभी खाली नहीं जाती है। शेरा ने जिंदगी में दो ही बातें सीखी है, दुश्मन का नाम और निशान मिटा देना और अपने एरिया की सफाई अभियान करवा देना। ठाकुर एनवायरमेंट से रिलेटेड जो आपका स्टॉल है, इसके पीछे आपका मोटिव और गोल्स क्या? मैं आप देख सकते हैं गेम्स हैं कि जंबल वर्ड्स हैं, कि आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई वर्ड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है यहाँ पे, ये बच्चों ने, स्कूल गोइंग छोटे छोटे बच्चों ने ये पेंटिंग्स बनाई हुई है, ठीक है, जो लोग आके देख रहे हैं और काफ़ी मज़ा ले रहे हैं और अवेयर भी हो रहे हैं। उसके बाद ये हमारा इको हेल्थ कैलेंडर है, ये आप देख सकते हैं। इस कैलेंडर में हमने शो किया है कि जितने भी इन्वायरमेंटल डेज हैं, आप देख सकते हैं, इको हेल्थ डे, जैसे कि नेशनल क्लीनलीनेस डे, अगर आप फरवरी की बात करें तो फरवरी में था वर्ल्ड वेटलैंड डे, इंटरनेशनल पोलर बियर डे जो कि 27 को आने वाला है, नेशनल साइंस डे 28 को। तो ये चीज़ें लोगों को पहले नहीं पता थी, इस कैलेंडर के माध्यम से लोगों को पता चल रही हैं। जैसे कि हमने बॉल को एक तरह से वेस्ट की शेप दी हुई है, ठीक है, जैसे कि ये सैनिटरी पैड्स हैं, ठीक है, ये किस में जाने चाहिए, तो बच्चे पहचानेंगे कि अगर वेट में जाने हैं कि हैजार्डस में जाने, तो उसमें थ्रो करेंगे। इससे क्या हो रहा है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं कि घर में सेग्रीगेशन की जाए, ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो,
और जो सेग्रीगेशन एंड लेवल पे जो उसका डिस्पोजल है वेस्ट का वो भी अच्छे से हो सके। आउट ऑफ वेस्ट और क्रिएटिंग अवेयरनेस, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। जितना तुम सारे वेख सकते हो, काफ़ी क्राउड इतने वेखन मिल रहा है, लोग बहुत ही खुश ने, एक्साइटेड ने, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी भी सानू इतने वेखन मिलेगी लोग जो तुम देख सकते हो। गाने बज रहे हैं, ढोल बज रहे, एवरीवन इज जस्ट एंजॉयिंग। बच्चों के साथ आए, फैमिली के साथ फोटोज करवा के भी आप आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, आप एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है साथ में। और सबसे बड़ी बात है बच्चे खुश हैं देख देख कर, चीज़ के फूल है, अलग अलग तरह के फोटोज हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के सब कुछ। आर यू एंजॉयिंग? यस। हाउ मच? वेरी मच। इज इट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? यस। Nice. And what was the thing that you loved the most? Spider-Man. Nice. तो काफ़ी लोग आपके साथ फोटोज़ करवा रहे हैं, वैसा हम देख पा रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि बस बहुत हो गया, अब जाना है और फोटोज़ नहीं? देखो मैडम जी, ये मेला लगा हुआ है फेस्टिवल का, लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं, और हम लोग राजस्थान अलवर से आए हुए हैं, हम इनका मनोरंजन करने के लिए आए हैं। हमारी बहुरूपिया कला है, प्राचीन राजा महाराजों की टाइम से चली आ रही है। हम तरह तरह के रूप बदल कर, भैंस भूसा बदल कर, या चंडीगढ़ रोज़ गार्डन के अंदर आए हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सज्जन हैं, माता बहन आई हुई हैं, फ़ोटो सेल्फी वगैरह ले रही हैं, और हमारा भी बहुत अच्छा मन लग रहा है और अच्छा टाइम पास हो रहा है। मैडम जी, लग रही है तो कैसा लग रहा है आपको ये हर साल कर? अमेजिंग फील हो रहा है मैम इधर आके, ऐसा लग रहा है कि एकदम से ग्रीनरी ग्रीनरी, फूल ही फूल, और मतलब नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो नेचुरल ब्यूटी देखने को मिली मैम इधर आके। हम आ गए हैं रोज फैक्ट्री स्वच्छ किचन से। राजस्थानी फूड, दाल बाटी चूरमा, मतलब कि वैरायटी ऑफ फूड है यहाँ पर, साउथ इंडियन भी, चाइनीज भी। दैट मीन्स यू विल नॉट बी बाउंडेड जस्ट विद वन डोसा, और पकौड़ों का तो रोज मतलब हम लेते ही हैं, पर राजस्थानी में कुछ नया है यार। चाइनीज़ फूड में नूडल्स, और लोग स्पेशली यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, फ्राइड राइस, नूडल्स, पास्ता सब। वाह, यहाँ पर कैसे स्पेशल मूंग दाल एंड मिर्ची वड़ा बनाया जा रहा है, और लोग डेस्परेटली वेट करते हुए उसका मज़ा उठाना चाहते हैं। टिक्की, गोल गप्पे, ओह लेडीज फेवरेट, भल्ला पापड़ी और चाट पापड़ी बनाते हुए लोग यहाँ पर खाते हुए, और चाइनीज़ फूड के साथ साथ स्पेशल मेन मेन्यू का भी अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। राजमा राइस, कड़ी राइस, सिर्फ जंक ही नहीं बट मेन कॉस भी है। वैराइटीज़ ऑफ फूड हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, चाइनीज़, साउथ इंडियन, राजस्थानी। तो आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? मुझे तो पंजाबी फूड अच्छा लगा। आप एंजॉय कर रहे हैं रोज़ फेस्ट? बहुत बहुत ज़्यादा। आपको रोज़ फेस्ट में आकर बहुत एंजॉय हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने को, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। रोज़ फेस्ट में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब एक तो बता नहीं सकता ना, मेन मोटिव लड़कों का तो पता ही है क्या होता है। कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ? हम 2010 से आ रहे हैं। क्या बात है, तो आपको खाने की नॉलेज तो पक्का ही होगी कि सबसे बेस्ट यहाँ क्या होता है? ये तो पर्सनल चॉइस की बात है, हम तो ज़्यादा ये राजस्थानी मिर्च बड़ा वगैरह ही खाते हैं। आपकी प्रेफरेंस राजस्थानी रहती है मैम, आपकी भी?